हाय फ्रेंड्स, तो आज हम प्रोबेबिलिटी का जो आपका एक्सरसाइज 15.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो बोल रहा है आपका कि 12 डिफेक्टिव पेंस आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेंस। तो 12 क्या हैं जो डिफेक्टिव पेंस हैं वो गलती से क्या हो गए हैं, 132 जो अच्छे पेंस हैं उनके साथ मिक्स हो गए हैं। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ अ डिफेक्टिव। तो देखने से हमको ये पता नहीं चल सकता है कि इनमें से कौन सा डिफेक्टिव है और कौन सा अच्छा है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द स्लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं कितने। टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं आपके 132 प्लस 12, तो जो है आपके 144। अब वो जो पूछ रहा है वो है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। अब देखिए, अच्छे पेन्स कितने हैं, अच्छे पेन्स हमारे पास 132 हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज गुड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 132 डिवाइडेड बाय 144। कट कर सकते हैं इसको, 12 से कटेगा, 11 डिवाइडेड बाय 12। ओके, ठीक है, बहुत सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन है, लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। 20 बल्बों में से 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव बल्ब आपको देखना है कि प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि द बल्ब इज डिफेक्टिव। Probability that the bulb is a defective one. Okay, अब देखिए 20 bulbs हैं जिसमें से 4 defective है, तो defective की सिंपल है, टोटल हमारे पास 20 हैं उसमें से 4 defective हैं, तो 4 divided by 20 that is 1/5। अब देखिए, अब दूसरा वाला जो इसका पार्ट है ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें इसमें क्या है, देखिए, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। अब जो बल्ब इन्होंने यहाँ से उठाया था वो डिफेक्टिव नहीं है एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, और उसको बदला भी नहीं गया है, ठीक है, निकाल लिया है लेकिन उन्होंने। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, देखिए, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब नहीं था वो लेकिन उन्होंने निकाल दिया, इसका मतलब जो टोटल पहले 20 बल्ब्स थे वो अब कितने हो गए हैं, रिमेनिंग बल्ब्स हमारे पास आ गए हैं अब 19। अब देखिए, जो टोटल हमारे पास जो अच्छे बल्ब्स थे इसमें से 4 डिफेक्टिव थे और तो 16 क्या थे हमारे पास, अच्छे थे। अब 16, अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, इसका मतलब बल्ब अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी अब कितनी है। टोटल हमारे पास अब 19 बल्ब भी बचे हैं और उसमें से अच्छे कितने रह गए, अब एक हमने हटा दिया है तो अब कितने रह गए यहाँ पर, 15। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, बहुत ही सिंपल है कि टोटल तो हमारे पास 19 बल्ब्स हैं और बचे हमारे पास 15 ही है क्योंकि एक हमने उसमें से हटा लिया है अच्छे में से भी। ठीक है, तो ये होगा 15 डिवाइडेड बाय 19। ऑलराइट, अब देखिए, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स अ 2-डिजिट नंबर। अब देखिए, 90 डिस्क्स हैं तो 1 से 90 तक की जो हमारे पास काउंटिंग होती है उसमें से आपको देख लेना कि 2-डिजिट के कितने नंबर्स हैं। तो 1 से लेकर 9 तक तो आपके सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब 90 माइनस 9 आपके पास हो गया 81। तो इसके मतलब हमारे पास जो 81 है वो 2-डिजिट नंबर्स हैं, और टोटल हमारे पास जो 2-डिजिट नंबर्स हैं वो 81 है और टोटल नंबर्स हमारे पास 90। तो 81 डिवाइडेड बाई 90, 9 से कट कर सकते हैं इसको, 9 डिवाइडेड बाई 10। ओके, अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए, 1 से लेकर 90 तक की जो संख्याएँ हैं उसमें से परफेक्ट स्क्वायर देखिए कितने बनते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का और 9 का। ओके, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, 9 डिवाइडेड बाई 90, 1/10, तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, अ नंबर इज डिविजिबल 5 बाई 5। अब देखिए, आपको ये देखना है कि 1 से 90 तक की कितनी संख्याएं जिनमें 5 से भाग चला जाता है या 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं आपके 5, 10, 15 और अप टू 90। तो जो टोटल ये आते हैं लगभग ये हैं हमारे पास 18। तो 18 डिवाइडेड बाई 90 है इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1/5। ओके, काफ़ी सिंपल से हैं क्वेश्चन ये। अब देखिए, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हु 6 फेसेस शोज द लेटर्स इज गिवन बिलो। अब देखिए, एक बच्चे के पास एक डाई है जिसके 6 फेसेस में उसको ये चीज़ें दिख रही हैं, देखिए, A, B, C, D, E एंड A। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। अब देखिए, टोटल जो
चांसेज हैं, और टोटल चांसेज हमारे पास सिक्स हैं, तो ए आने की प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी है, इसमें से दो बार ए आए हैं एक और दो बार, तो कितनी हो गई इसकी, टू डिवाइडेड बाई सिक्स या वन अपॉन थ्री। दूसरा डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखिए डी एक ही बार आया है छः चांसेज में से, तो वन डिवाइडेड बाई सिक्स। ओके, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। अब देखिए एक फिगर यहाँ पर दिखाया हुआ उन्होंने, एक यहाँ पर रेक्टेंगल बना हुआ है और दूसरा एक बना हुआ है सर्कल। इसका जो लेंथ है इस रेक्टेंगल का वो 3 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 2 मीटर है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। अब देखिए ये जो सर्कल है इसका डायमीटर कितना है, फुल डायमीटर है इसका 1 मीटर। ठीक है, अगर हम इसका रेडियस ले लें तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ। ओके, अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद द डायमीटर 1 m। अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया तो आपको पता ही है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना हो गया 2 × 3 = 6 m². ओके, अब हमको एरिया चाहिए सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल π r² r कितना है हाफ, ठीक है तो π/4 m². ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि हमकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डाइस हम फेंकें वो डाइस कहाँ जाए, इनसाइड द सर्कल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, टोटल चांसेज कितने हैं, टोटल चांसेज गिरने के कितने हैं, देखिए टोटल टोटल तो यही है, टोटल आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना निकला है हमारा 6, यही होता है प्रोबेबिलिटी में, टोटल चांसेज कितने हैं 6, और एरिया ऑफ सर्कल के अंदर गिरने के कितने हैं, π/4 = π/24। इतने चांसेज हैं कि जो डाइस हम फेंक रहे हैं वो इस सर्कल के अंदर गिरेगा।